है कौशल किशोर सर, इंटरव्यू में एप्लीकेशन लगाई है, किस बाबत? इसकी वाइफ की डिलीवरी होना है, 9 मंथ चल रहा है और घर पे कोई नहीं है, 9 ईयर्स की बच्ची है उसकी सर, और पहले भी इंटरव्यू पे क्या हुआ? आप किस ऑफिस में हैं आप? 376 में अच्छा, सर, इसको और पहले जेल में भी कब से हैं? मोर देन 9 ईयर्स, 9 ईयर्स। पहले भी सर इसको इंटरव्यू मिली विद इन टाइम सरेंडर की। और तभी डिलीवरी होनी थी? एक मिनट, बच्ची आप जेल में कब से हो? जेल में 9 ईयर्स से सर, नहीं, तारीख तो बताओ डेट ऑफ, हाँ तारीख बता। भाई। 2 बार टेम्पररी बेल मिल गई डिलीवरी कराने के लिए, तो समझे तो कब से तुम जेल में हो? नहीं सर, पैरोल पैरोल पे आते हैं, 3 महीने में 15 दिन की पैरोल मिलती है, हाँ, उस पर घर पे आते हैं। अभी आपने 2 बात कही ना, कि पहली बारी दरखास्त भी लगाई थी डिलीवरी कराने के लिए, अब दूसरी दरखास्त भी डिलीवरी कराने के लिए, तो समझ में तो आवे कब से जेल में हो, कब से कितनी बार डिलीवरी करवाओगे? सर तो तारीखें बताएं आप, हाँ, ये घटना सर कब की है, घटना 2012 की है सर, आप जेल में कब से हैं? अक्टूबर 12 से ही है सर। अक्टूबर 12 से हैं, जी सर। और पहली बेल टेम्पररी बेल आपकी कब अलाउ हुई? सर टेम्परेरी बेल हमें मुझे मिली है सर, एक 3/7/17 को और एक 5/7/19 को, है एक दूसरी कब मिली? 5/7/5/4/19 को, 5/4/19 वो को। वाइफ के इलाज के लिए और उसके लिए मिली थी सर। तो 5, 3, 7, 17 को किस लिए मिली थी? सर वो ऑर्डर मेरे पास नहीं है सर। आप 2012 से जेल में हो हाँ सर, और 3/7/17 को आपको बेल मिला, कितने महीने की बेल थी? सर ऑर्डर मेरे पास नहीं सर। नहीं, आप देखो उसको, क्योंकि 3/7/17 को बेल मिली, अब वापस कब गए सर जेल? जो इंटरिम पीरियड था उसका कितना था? कंप्लीट हो 2 महीना, सर, 3 महीना, ऑर्डर दो। मेरे पास प्रेजेंट में हुआ सर। और फिर 5/4 को मिली, मतलब 5/4 के पहले गए होंगे आप, नहीं पांच सर, चार के पहले। इलाज इलाज के लिए मिली थी, आप उसको समझो कुछ बात को, प्रॉब्लम थी सर। सवाल समझो पहले। 3/7/17 को आपको बेल मिला, जी, टेम्पररी बेल मिला ना, टेम्परेरी बेल। तो ये कुछ महीनों के लिए मिला होगा आपको। हाँ सर, इन एनी केस 5/4/19 के पहले तक आप सरेंडर कर दिए होंगे भाई। 17 पांच में ही कर चार दिए सर उस। 5/4/19 को सेकेंड टेम्पररी बेल मिली ना आपको। जी सर, 3/7/17 को सर इंटरव्यू में लिए है। अभी आपने खुद ही बताया, आपने 3/7/17 को पहली इंटरिम बेल मिली, हाँ, वो लेकिन सर वो डिलीवरी के लिए नहीं मिला। वो हम कुछ कह रहे हैं क्या उसके बारे में? नहीं, हम तो इसमें केवल फैक्ट वेरीफाई कर रहे जी हैं सर, कि 3/7/17 को आपको पहला टेम्पररी बेल मिला, जी उसके बाद 5/4/19 को टेम्पररी बेल मिला, जी फिर सरेंडर कब किया आपने, जो पीरियड एक्सपायर हुआ इमीडिएट सरेंडर कब किया सर। सरेंडर हुआ? सर वो ऑर्डर देखना पड़ेगा, मैं ऑर्डर वो ऑर्डर देख करके फिर ये एक्सक्यूज बताओ, इसको जब तक वेरीफाई करना है सर, उसकी क्या को डिल वेरीफाई करना भाई? ये डॉक्यूमेंट्स आप खुद ही बता रहे सर, ये हो। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लें जिसके लिए मैं बेल एंट्री नहीं बेल के नहीं लिए नहीं आ ये रहा तो फ्लेम एक्सक्यूज दिख रहा है कि आप 2019 के बाद निश्चित तौर पे 5-6 महीने में चले गए होंगे वापस, हूं। इतनी ज्यादा नहीं मिली सर, जो भी कम है ही मिला, मैं बता दूंगा सर। पूछ के आओ, क्योंकि आप 2022 में डिलीवरी के लिए डेट मांग रहे हो, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर उसके इसलिए कह रहा हूं कि ये पैरोल पे हर 3 महीने में एक्यूज जाता है मुझे नहीं पता कब जाता कब नहीं जाता वो, सर। लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है कि आप वेरीफाई करके बताओ हम मुझे, वो मैं ताकि वेरीफाई कुछ करा कर। लूंगा, ये सर हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीक तक। बट ऑल सडन डन इसके लिए तो बेल में मुश्किल है आपको, वहां बहुत से घर में होंगे नहीं है आपके। सर, मैंने लिखा है नहीं और नहीं पंचनामा और डॉक्यूमेंट्स भी लगाए, सब वेरीफाई स्टेट करा ले, क्योंकि नो नो, 9 ईयर्स की बेटी है और दैट उसकी ऑफेंस बहुत हीनियस है, इसलिए दिक्कत है। सर नेक्स्ट वीक कुछ नहीं, खत्म, कुछ सर। नहीं है इसमें, सर ऐसी कोई 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 एलिमेंट थोड़ी ना है इसके लिए आपको जरूरत एलिमेंट पड़े सर, ना। पुनर्जन्म होता है एक महिला का डिलीवरी के समय सर। कोई सर प्रॉपर मैंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, स्टेट वेरीफाई करा।
इस ग्राउंड पे बेल दी नहीं है, इसलिए वी डोंट एग्री विद यू ऑन दिस इशू। बेटो कर लेता हूँ, हम एक को देंगे फिर हमें सबको देनी पड़ेगी। बेटो कर यस मतलब